उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के होने की बात सामने आई। दावा किया गया कि वो शार्प शूटर साबिर के साथ दिखी। जो दावे के मुताबिक 19 फरवरी के एक सीसीटीवी वीडियो में नजर आई। इस वीडियो में शूटर साबिर के सफेद शर्ट में होने की बात सामने आई। साबिर पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम घोषित किया है। दावा है कि 19 फरवरी को रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी, जो प्रयागराज शूटआउट में शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड में 13 शूटर्स के शामिल होने का आरोप है, जिनमें 6 शूटर्स की तस्वीरें भी सामने आई, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से शूटर बली और सुधांशु और असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीम इन्हें ढूंढ रही है। सूत्रों की माने तो असद अतीक अहमद का अकाउंटेंट है, जो शूटर बली के साथ मिलकर अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है। दावा है कि अतीक ने असद और बली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है, जिनमें करोड़ों की जमीन और कई मकान शामिल है। उधर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में हार्ट अटैक से जाकिर की मौत की बात सामने आई। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शव पर चोट के निशान भी थे। जाकिर 27 फरवरी से ही लापता था। 4 महीने पहले ही वो बेल पर जेल से छूट कर आया था, जिसके बाद से वो अपनी बहन के घर चला गया था, जिसके बाद उसकी लाश खेत से मिली थी। जाकिर पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इस बीच बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के साले सद्दाम के घर पर भी सील किया है, कार्रवाई की है, जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची और उस पर ताला जड़ दिया। बताया गया कि इस किराए के घर में सद्दाम नाम बदल कर रह रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक से जुड़े लोग पुलिस के रडार पर हैं। बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कर रहा है। और इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सद्दाम का घर सील कर दिया। इससे पहले पुलिस ने बरेली से ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर अतीक के भाई अशरफ से जेल में गैरकानूनी तौर पर बिना आईडी के मिलने का आरोप था। उधर यूपीएसटी अपने अतीक अहमद और उसके गुर्गों की क्राइम कुंडली तैयार कर ली है, जिसके आधार पर पुलिस अतीक गैंग और उसके रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बताया गया कि बाहुबली अतीक अहमद पर कुल 187 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें अतीक पर अकेले धोखाधड़ी के ही 115 आपराधिक मुकदमे हैं, जबकि अपहरण, हत्या, गैंगस्टर और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 50 केस है। वहीं एसटीएफ ने अतीक गैंग के 34 लोगों की भी क्राइम कुंडली खंगाली है, जिसमें उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार मिलाकर कुल 13 लोग शामिल हैं। उधर रूस के कई शहरों में अचानक टीवी और रेडियो पर परमाणु हमले का अलर्ट जारी होने लगा। लोगों से अपील की गई कि वो न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं और एंटी रेडिएशन की दवा खा लें। लेकिन इसी बीच रूस की सरकार का बयान आया, जिसमें कहा गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर ऐसे संदेश जारी किए गए जिन्हें सुनकर रूस की आम जनता के बीच दहशत फैल गई। क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अचानक टीवी पर एक डराने वाला संदेश जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए वो एंटी रेडिएशन दवा खाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं। रेडियो पर जारी संदेश तो और भी दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसमें सायरन बजने की आवाज के साथ बताया गया कि रूस में एयर अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि वहां मिसाइल अटैक होने वाला है। रूस के जिन जिन शहरों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, वहां लोगों की जान हलक में अटक गई।